नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की बड़ी खबरों को। बिहार में अरबों रुपए की जल आपूर्ति के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में जलापूर्ति और सीवर से जुड़े कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार अरबों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराए जाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही यह योजनाएं केंद्र सरकार की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हुई है। इसमें पटना के बेऊर और कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराए जाने की तैयारी चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार परियोजनाओं का ब्यौरा भी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है ताकि उनसे इस सबका समय लिया जा सके। मधुबनी के अविनाश की पेंटिंग नटराज की लगी बोली। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, हर बार इसका प्रमाण बिहार के कोने कोने में देखने को मिलता है। वहीं अब अगस्त 2020 की फॉक्स एंड ट्राइबल आर्ट की नीलामी का परिणाम आते ही देश भर में बिहार की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। सेफरनेट की स्टोरी लिमिटेड ने नौ रिवर्स ऑक्शन में मधुबनी शैली के कलाकार अविनाश करण की पेंटिंग नटराज पर 2,48,000 की बोली लगाई गई है। वो जिले के रांटी गांव के रहने वाले हैं। इसके साथ ही इसी साल जून में दिवंगत मधुबनी कलाकार पद्मश्री सीता देवी की एक पेंटिंग कदम का पेड़ भी 4,36,000 में बिकी थी। इसके साथ ही 6 साल में पहली बार मिथिला ने सबसे कीमती बिकने वाली लोक कला शैली में प्रथम पायदान हासिल किया था। इससे पहले स्थान पर गोंड शैली का वर्चस्व रहा है। रघुवंश बाबू की लालू परिवार के साथ 4 दशक पुरानी दोस्ती टूटने की कगार पर। लालू परिवार के साथ 4 दशक पुरानी दोस्ती अब बस टूटने की कगार पर है। समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह बाहुबली रामा सिंह के राजद में एंट्री को लेकर शुरू से ही नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया था कि अस्पताल से निकलने के बाद ही कोई भी राजनैतिक बात करेंगे। वहीं राजनैतिक गलियारों में आई खबर के अनुसार बुधवार को रघुवंश बाबू के समर्थकों ने रामा सिंह के राजद में एंट्री को लेकर राबड़ी देवी के आवास के सामने जमकर विरोध किया था। वहीं रामा सिंह के राजद में एंट्री को लेकर लगातार तल्खी भी में आ रही है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने भी पूर्व सांसद रामा सिंह के एंट्री को हरी झंडी दे दी है। खुद रामा सिंह ने भी राजद में एंट्री को लेकर अपनी स्पष्टता जाहिर कर दी थी। इसके बाद 29 अगस्त को राजद की सदस्यता ग्रहण करने का ऐलान वो कर चुके हैं। भीमबाद और सिमुतल्ला के जंगलों में जलप्रपात का मनोरम दृश्य आया सामने। प्राकृतिक धरोहर के रूप में चर्चित जमुई जिले के भूमि से बाहर सिमुतल्ला के जंगलों में जलप्रपात का मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। वहीं सिकंदरा में दक्षिण चीन सागर जंगल में स्थित देवोदेव झरना बिहार के कश्मीर के रूप में विख्यात ककोलत जलप्रपात की तरह प्राकृतिक का सुंदर नमूना बना रहा है। क्षेत्रों का पर्याप्त विकास नहीं होने से इन्हें ख्याति प्राप्त नहीं हो पा रही है। आए दिन घने वृक्ष की लंबी श्रृंखला में सजी सुर में वादी सहित लगभग 3 से 4 प्राकृतिक जलप्रपात क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। यहाँ पहुंचकर मन में खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य की एक नई उमंग भी जाग जाती है। ऐसे में जब बारिश के समय दिखते हैं तो दोनों तरफ से घने जंगल का नजारा देखने में मिलता है। साथ ही गुनहल्ला पहाड़ झाड़ी पहाड़ में 50 फीट ऊंचाई से गिरते जल का सौंदर्य देखते ही बनता है। सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ फिर की बयानबाजी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तहकीकात कर रही सीबीआई की टीम ने अभी तक कई नई बातों का खुलासा किया है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि रिया लंबे समय से मेरे बेटे के साथ गलत कर रही थी, वो लगातार उसे जहर दे रही थी, उसने ही सुशांत की जान ली है। जांच एजेंसी ने साथ ही रिया और उसके साथियों को तुरंत सलाखों के पीछे रखने की भी अपील की गई है। वहीं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की मांग भी की है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नई बातों का खुलासा हर दिन होता जा रहा है, जिसके बाद लगातार सीबीआई की टीम रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ की जा चुकी है, साथ ही उन्हें भी समन भेज दिया जा चुका है। रिया से भी आज की सवाल जवाब किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी से भी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। COVID-19 संक्रमित वोटर्स के लिए चुनाव आयोग जारी करेगा गाइडलाइन। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग लगातार अपनी तैयारियों में जुट गया है। वहीं COVID-19 संक्रमित वोटर्स को चुनाव का हिस्सा बनाने के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन तैयार करने का ऐलान किया है। आयोग ऐसे मरीजों के लिए एक अलग गाइडलाइन तैयार करने की तैयारी में है, जिसके मुताबिक वैसे वोटर्स जो COVID-19 संक्रमित है या क्वारंटाइन में है, उन्हें भी बूथ पर जाकर वोट करने की इजाजत होगी। पोस्टल बैलेट से उन वोटिंग को मंजूरी दी जाएगी। आयोग ने बताया है कि ऐसे वोटर्स को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। आयोग के अनुसार इसके अलावा अगर ऐसे वोटर्स बूथ पर जाकर मतदान करना चाहते हैं तो उनकी व्यवस्था भी की जाएगी। आयोग ने बताया है कि ऐसे वोटर्स पूरे दिन वोट नहीं डाल सकेंगे, उनके लिए मतदान के लिए अंतिम घंटे में वोट देने की इजाजत होगी। 7 मुख्यमंत्रियों ने नीट और जेईई परीक्षा के आयोजन के खिलाफ दिया बयान। COVID-19 के माहौल के बीच जेईई मेंस और नीट की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया था। वहीं अब कांग्रेस
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में बीते दिन 7 राज्यों के मुख्यमंत्री ने परीक्षा टालने की एक सुर में मांग की है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सभी राज्य सुप्रीम कोर्ट से अपील करें कि इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले राष्ट्रपति से मिलने की बात कही है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया था कि वहां स्कूल खुले हैं तो छात्र संक्रमित हो गए हैं, अब अगर ऐसा होगा तो फिर यहां क्या होगा? अगर परीक्षा होती है तो COVID-19 के मामले बढ़ जाएंगे, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में ओडिशा, दिल्ली के मुख्यमंत्री हालांकि शामिल नहीं हुए थे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद को बताया अहंकारी। राजद के अंदर खाने में जारी सियासी उठापटक ने सबका ध्यान राजद की तरफ केंद्रित कर लिया है। वहीं अब उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी राजद में जारी तलखी पर अपना बयान जारी किया है। साथ ही उन्होंने राजद को दो टूक नसीहत भी दी है, जिसके तहत उन्होंने राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद की पार्टी छोड़ने की चर्चा और वामदलों का महागठबंधन के साथ में तालमेल पर पार्टी को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि राजद के विधान परिषद सदस्य, विधायक पदाधिकारी यदि एक साथ बड़ी पार्टी में पार्टी छोड़ रहे हैं तो फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा वापस लेने को तैयार नहीं है, तो यह पार्टी के दुर्दिन का संकेत है। जो लोग 15 साल से राज करने के नशे की खुमारी में अब तक नहीं उबर पाए हैं, वो अब राज्य छोड़कर जाने वाले अपने साथियों का अपमान भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव की पार्टी और महागठबंधन दोनों के बीच में खराब परिस्थिति की प्रक्रिया तेज हो गई है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ राजद का अहंकार है। मॉल जल्द नहीं खुलने पर कई ब्रांड में पटना को छोड़ने का किया ऐलान। COVID-19 के माहौल में भले ही अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे करके वापस से पटरी पर लाने की कोशिश जारी है, मगर अभी भी कुछ व्यवसाय पूरी तरीके से बंद पड़े हैं, जिसमें मॉल शामिल है। शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलने से काफी ज्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ा है, जिसको देखते हुए अब कई बड़े ब्रांड्स ने पटना छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मॉल संचालकों के मुताबिक बड़े ब्रांड ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार मॉल खोलने की इजाजत नहीं देती है तो ज्यादा नुकसान अब और नहीं उठा सकते हैं। किराया, बिजली बिल, स्टाफ की सैलरी आदि के भुगतान में भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए संचालकों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत मांगी है। वहीं सरकार को भी राजस्व में हानि हो रही है, कई कर्मियों को नौकरी से भी निकाला जा चुका है। ऐसे में पूरी सुरक्षा के साथ मॉल को खोलने की इजाजत मांगी गई है, नहीं तो परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। 29 अगस्त तक उत्तर पश्चिमी भारत में भारी बारिश की जताई गई संभावना। भारत मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 29 अगस्त तक उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापक और भारी बारिश होने की संभावना जारी की गई है, जिसके तहत बीते दिन से साफ तौर पर यह कहा गया है कि 27 अगस्त यानी कि आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश होने की संभावना बनती देखी गई है, जिसके बाद मध्य भारत के कई हिस्से में, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में 30 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके बाद यूपी में भी बहुत बारिश दर्ज की गई है। यह दक्षिण पूर्वी हवाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रही हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने बयान से मारी पलटी। राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी का सिलसिला आए दिन देखने को मिल जाता है, वहीं बयान से पलटने का सिलसिला भी लगातार देखने को मिलता है। इसी क्रम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपने बयान से पलटी मारी है। मिली जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव ने जहां कुछ दिनों पहले रघुवंश बाबू को समुद्र में एक लोटा पानी निकाल भी जाए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कहकर संबोधित किया था, तो वहीं अब उन्होंने अपने बयान से सीधा पलटी मार ली है और कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अपने पिता से मिलने पहुंचे तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह को चाचा कहकर संबोधित किया है और कहा कि वो बीमार है, ठीक होते ही पार्टी की रणनीतियों पर काम करना जल्द ही शुरू कर देंगे। राज्य में कोई तकरार नहीं है, हम सभी लोग साथ हैं और रामा सिंह के पार्टी में शामिल होने पर किसी को कोई परेशानी नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में सब कुछ साथ मिलकर काम करने वाले हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने शेयर की खुशखबरी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने आज सुबह सुबह पिता बनने की खुशखबरी सोशल मीडिया पर साझा की है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को यह गुड न्यूज दी है। विराट कोहली ने अपनी और अनुष्का की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा जहां पर वो दोनों अब 2 से 3 होने वाले हैं। विराट ने पोस्ट में बताया कि वो जनवरी 2021 में पापा बनने वाले हैं। अनुष्का शर्मा ने भी अपने इंस्टाग्राम से यही पोस्ट डाली है। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली फिलहाल UAE में IPL 13वें के संस्करण के लिए पहुंच चुके हैं, जहां पर जनवरी 2021 में उनके घर पर एक नन्ना मेहमान आने वाला है, जिसका इंतजार विराट, अनुष्का के साथ साथ उनके सभी प्रशंसकों को भी है। इस खबर के साथ ही दोनों को बधाई देने वालों का तांता भी लग गया। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत तक के तमाम हस्तियों ने उन्हें इस गुड न्यूज के लिए खूब सारी बधाई दी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से औरंगाबाद के लिए नए रास्ते का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन प्रथम मुखर नहर की बांध पर बनी सड़क का चौड़ीकरण और पक्कीकरण कार्य का उद्घाटन किया है, जिसके तहत बारून से भोसावल तक 122 किलोमीटर लंबी सड़क में पक्कीकरण का काम किया जाएगा, जिससे पटना से औरंगाबाद के बीच वाले छोटे वाहनों से आवागमन के लिए एक नया रास्ता मिल जाएगा, जिसके पूरा होते ही पटना के अलावा औरंगाबाद अरवल जिले के लोगों को भी काफी सहूलियत होगी। पटना से औरंगाबाद NH 98 के अलावा इस अतिरिक्त रास्ते का लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जहां पर छोटे वाहन आसानी से परिचालन कर सकेंगे, कुछ समय में यह दूरी तय करने के लिए बेहतरीन रास्ता होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के झंझारपुर मुख्य शाखा नहर समेत कई योजनाओं का भी उद्घाटन किया है। देश में संक्रमितों की संख्या पहुंची 33 लाख के पार। भारत में COVID-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 75,760 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 33,10,235 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 1,023 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद भारत में जान गंवाने वालों की संख्या 60,472 पर पहुंच गई है। वहीं COVID-19 से अब तक पूरे देश में 25,23,772 मरीज ठीक हो चुके हैं, साथ ही 7,25,991 मरीज फिलहाल सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में रिकवरी दर 76.24% हो गई है। वहीं जान गंवाने वालों की दर 1.83% दर्ज की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में CBI की तरफ से की जा रही जांच से आप कितने संतुष्ट हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।